शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन दशहरे पर माता रानी को विदाई देने के लिए लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दिन में हवन पूजन कन्या भोजन के साथ अन्य कार्यक्रम हुए। ट्रकों में, ट्रैक्टरों में और अन्य साधनों में माता रानी की प्रतिमा को विराजमान कर लोग जयकारे लगाते हुए निकले। शहर भर में 9 दिन विराजित माँ काली के समक्ष सांस्कृतिक रंगारंग और भक्ति गीतों की प्रस्तुति ने ऐसा माहौल कर दिया था। और जब माता रानी की कल अंतिम विदाई हुई तो लोगों के चेहरे उदास थे। सागर में प्रव्याव टोरी की चलमाई चलमाई काली के नाम से फेमस माता रानी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसी तरह शहर के केशवगंज वार्ड में स्थित विराजमान माता रानी के दर्शन करने के लिए भी पब्लिक एक ही जगह पर जमी रही। इन माता रानी की खासियत है, जिस वाहन में यह सवार होती हैं, भक्तों को चारों ओर दर्शन देती हैं। यानी यह दुर्गा प्रतिमा ऐसी बनाई गई है जो चारों ओर घूमती है। सागर शहर में शाम से ही नजारा अद्भुत था। भक्ति गीतों की प्रस्तुति के साथ ढोल ढमाकों बैंड बाजों के बीच माता रानी को विदाई देने के लिए भक्त नाच रहे थे। कुछ बड़ी नदी पर प्रतिमाएं विसर्जित की गईं, तो कुछ चितौरा तो कुछ वर्मान नदी में गईं। भक्ति का ऐसा माहौल रहा कि अल सुबह तक माता रानी के जयकारे सागर शहर में गूंजते रहे। एडिशनल SP लोकेश सिन्हा और SDM विजय डेहरिया ने सुरक्षा की कमान संभाली। इनके अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल पूरी रात जलाशयों के आसपास सहित पब्लिक की सुरक्षा के लिए तैनात रहा। 9 दिन विराजमान माता रानी को कल अंतिम विदाई दी। इनकी अखियों में ज्वाला भयंकर वाली रे, दर्शन तो कर लियो।